यूं तो इंदौर में कई कलाकार अपनी प्रतिभा का लोहा समय समय पर मनवाते रहते हैं, लेकिन इस बार एक अनोखी कलाकृति से शहर के लोग रूबरू होने जा रहे हैं, गोबर। जी हाँ, जिस गोबर का हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, घरों को लीपने में उपयोग करते हैं, उसी गोबर से श्री गौरंग कला केंद्र की महिलाएं राखियों का निर्माण कर रही हैं, वह भी फौजी भाइयों के लिए। देश में पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। गोमय राखियां मातृभूमि और धर्म की रक्षा हेतु सभी वीर भाई और वीरांगना बहनों को समर्पित हैं। विघ्नहर्ता बप्पा उनका रक्षण करें। भगवान गणेश जी की गोमय मूर्तियां शास्त्रीय पद्धति अनुसार बहुत दुर्लभ और पवित्र हैं। गोमय मूर्तियों में किसी भी प्रकार का रासायनिक घटक उपयोग नहीं किया जाता, प्राकृतिक मसालों का ही इस्तेमाल किया जाता है। मूर्तियों से बनी राखियों में तुलसी के बीज डाले जाते हैं, जिससे आप भविष्य में जब भी मूर्ति विसर्जित करो तो तुलसी का रोपण हो जाता है। ये खाद का भी काम करती हैं। भगवान की प्रेरणा से वो सब चीज़ें बनाई थी, जिसे पूरी मीडिया ने और इंदौर के सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया था। तो इस बार मुझे पिछले साल से था कि मैं, मेरी मैडम है हेमलता मैम, उनके साथ गणेश जी की प्रतिमा अलग अलग जगह वर्कशॉप मैडम के साथ जाना होता था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हो कि जिसके साथ हम कुछ अलग तरह से काम कर सकें, और गोबर को लेकर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो दिमाग में पंचगव्य को लेकर था। तो बहुत सर्च किया और फिर नागपुर स्वानंद विज्ञान का मुझे पता चला, तुरंत मैंने अहमदाबाद और नागपुर जाकर उसकी ट्रेनिंग ली। और इंदौर एक हमारा पहला शहर ऐसा था कि जहाँ बहुत सारे लोग सीखा है और आज भी अपनी अपनी जगह जाकर काफ़ी अच्छे से उनका बिजनेस सेटअप हो गया है। तो स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी बात है, जहाँ आज ये सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे काफ़ी सारे भाई बहन। तो ये एक, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम अपने उत्साह के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे हैं, ये एक अलग इशू है। इससे बड़ी बात ये है कि आत्मनिर्भर और स्वदेशी उत्पादों का निर्माण तेज़ी से